press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लोकसभा में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हल्ला बोला और सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का आक्रामक जवाब दिया। उन्होंने जहां कांग्रेस पर भारत मां के टुकड़े करने के आरोप लगाए तो वहीं यह भी जता दिया कि इतने सालों तक देश पर शासन करने वाली पार्टी आज क्यों विपक्ष में बैठने को मजबूर है। पीएम मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। हालांकि उनके पूरे भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण किसी पार्टी का नहीं होता और उसका सम्मान होना चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत की गई थी। इस मौके पर उन्होंने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश के टुकड़े करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने भारत मां के टुकड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण जल्दबाजी में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विभाजित कर दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि जब हम नए राज्यों के निर्माण की बात करते हैं तो हमें उन तौर तरीकों को भी याद करना चाहिए जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। पीएम मोदी के पूरे भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी नेता पूरे समय भाषणबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी बंद करो के नारे लगाते रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि आपके मुंह पर लोकतंत्र शोभा नहीं देता, इसलिए कृपा करके आप हमें लोकतंत्र का पाठ मत पढ़ाइए। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने अपनी सारी ऊर्जा एक परिवार की सेवा में लगा दी और देश के हित को एक परिवार के हित के लिए नजरअंदाज कर दिया। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ऐसी बैंकिंग नीति बनाई जिसमें बैंकों पर दबाव डाले गए और चहेतों को लोन मिलता गया जो बाद में कभी वापस नहीं मिला। पीएम मोदी ने कहा कि हिट एंड रन की राजनीति चल रही है। उनका कहना था कि कीचड़ उछालो और भागो, मगर आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। कुल मिलाकर काफी अरसे बाद मोदी अपने उस तेवर में नजर आए जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उपचुनाव में हालिया असफलता के बाद मायूस भाजपाइयों में भी इस भाषण से ऊर्जा का संचार जरूर होगा।